हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद निधि में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद है, और स्पेशली पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, मैक्रोनी, पास्ता, ये सब और बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम उसको अगर घर पर ही बनाएं तो बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे। तो हम इसको हेल्दी भी बना सकते हैं और टेस्टी भी, और इसमें जो भी हमारा मन चाहे वो हम इसमें सब्जियाँ ऐड करके भी इसको खिला सकते हैं। तो हम बहुत आसान तरीके से आज रेड सॉस मैक्रोनी बना रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बनाना। तो आज हम बना रहे हैं रेड सॉस मैक्रोनी, बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी है और सेम ही प्रोसेस से पास्ता बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल मैक्रोनी ले लिया है, जिसको मैंने गर्म पानी में डालकर नमक और ऑयल और इसको बॉइल कर लिया है। और बॉइल करने के बाद अब हम ले रहे हैं एक पैन, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बटर, घी या फिर ऑयल, कुछ भी जो खाना चाहें वो इसमें यूज़ कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून ले लें, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अनियन। इसको हमें लो फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम हाई रखनी है, और इसको हम थोड़ा सा करेंगे हल्का सा कच्चापन निकालेंगे इसका। और अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून कैप्सिकम, इसका भी हम थोड़ा सा कच्चापन निकालेंगे इस तरीके से करते हुए। डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून डाल रहे हैं हम पिज़्ज़ा सॉस। 1 स्पून डालेंगे हम इसमें मेयोनीज, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी, लगभग 2 से 3 स्पून मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें अपने जो हमने मैक्रोनी ली है बॉईल करके, वो डालेंगे। और साथ में थोड़ा और सुंदर कलर करने के लिए डालेंगे हम इसमें फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आपको मार्केट जैसा कलर लेना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ऑरिगेनो डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, और बहुत ही टेस्टी हमारी मैक्रोनी तैयार हुई है। और लास्ट में जाएगी इसमें चीज, थोड़ी सी हम इसमें चीज ऐड कर रहे हैं, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी रेड पिज़्ज़ा मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। प्लेट में निकाल लेते हैं। सॉरी, मैंने पिज़्ज़ा बोल दिया था, ये पिज़्ज़ा नहीं, ये रेड सॉस मैक्रोनी है। तो ये हमने बना दिया है, एक्चुअली पिज़्ज़ा सॉस डाली थी तो वही दिमाग में बैठ गया। कोई बात नहीं, आप समझते तो हैं ही, बहुत होशियार हैं तो समझ तो गए होंगे आप। तो ये रेडी हो गई है, तो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी, या स्ट्रीट फूड कह सकते हैं आप, स्ट्रीट वाले स्टाइल से, रेस्टोरेंट वाले स्टाइल से, होटल वाले स्टाइल से रेड सॉस मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही इजी ट्रिक से हमने आपको बताया है, झटपट घर पर तैयार हो गई है, और आप इसको बच्चों के लिए कभी भी बना सकते हैं और कभी भी उनको खिला सकते हैं। तो गर्मा गर्म आप इसको खिलाइए, बनाइए। बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैक्रोनी अच्छे से बॉईल कर लेनी है, और बिल्कुल मैश करके नहीं करनी है, थोड़ा सा 2-3% कम ही करें, कि जब हम उसको बना रहे हैं तो वो अच्छे से एक साथ मैश ना हो, थोड़ी खिली खिली रहें। और इस तरीके से हमें जो इसमें वेजिटेबल डालनी है वो हमें हाई फ्लेम पर डालनी है, और अगर आपको कोई स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए रेड सॉस मैक्रोनी के साथ। कैसी लगी वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।